शिव महापुराण विदेश्वर संहिता 16वां अध्याय। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करे और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर संस्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हो तथा वो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। बोधशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करे। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करे। सारा नैवेद्य 1 कुडव लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए 1 कुडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभूलिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1000 प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथायोग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करे। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती है। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को, श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्र दिनों में 100 या सहस्र बार पूजा करे। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वो समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्म शुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है।
समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्धादि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदयव्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है, पूर्जायते अनन इति पूजा। ये पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि व जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पू। जा है मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान, यही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकौम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ है। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फल होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्रीहरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा रह ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वो उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्द्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वो मनुष्यों की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए।
कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्रश्नवाचक चिन्ह वो पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वो कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृत्तिकायुक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृत्तिकायुक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिकायुक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृत्तिकायुक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु था ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटु, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम एक प्रस्थ सेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम एक पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषः काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वो मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषः काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उषः काल से लेकर संध्व काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव।
इस तरह ये जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद, शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। तारांकन वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महतत्वाय के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसीलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखे और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर ले। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराए, फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करे। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग कहते हैं। स्वयंभूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वो मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वो उकार स्वरूप होने से उकारलिंग कहा गया है, तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य है उनका विग्रह अकार का प्रतीक होने से अकारलिंग माना गया है। इस प्रकार अकार उकार मकार बिंदु नाद और ध्वनि के पमे लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। आगामी वीडियो में हम विदेश्वर संहिता के 17वां अध्याय को सुनेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन बटन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नए वीडियोस की सूचना प्राप्त कर सके। हर हर महादेव।